Hello and welcome friends, today we are going to learn about the difference between spreadsheet software and database software, and especially we are going to learn about the very basic things about database software. So let's start this video. First of all, we have open the spreadsheet software like Microsoft Excel. कैसे बनता है row और column को मिलाने से spreadsheet software बनता है. देखो ये row है, ये कॉलम है, सॉरी ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, रो है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए बी सी डी जो लिखा हुआ है ना, ये कॉलम है. ठीक है, मैं इसको कैसे सेलेक्ट कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिए आप. ये देखिए ये रो है, ठीक है. तो रो और कॉलम में डिफरेंस करना समझिए, ठीक है. अब ये जो है ना, रो और कॉलम को मिलाने से बनती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. और एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. एक्सेल के पहले एक और सॉफ्टवेयर चला करता था जिसे लोटस के नाम से जाना जाता था, और वो बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं था, लो लेवल पे उसमें काम होता था, और लोटस के नाम से उसे हम जानते थे. बाद में चल करके एक्सेल आ गया, और आजकल तो टैली, ERP9 वगैरह तमाम सॉफ्टवेयर, मार्क GST है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं सस्ते दामों पर. तो एक्सेल का यूज थोड़ा कम हो गया इन सब सॉफ्टवेयर्स के आने से. तो ये एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ठीक है. काम क्या है, इनेबल फील्ड हैंडल की इसमें क्वालिटी पाई जाती है. इनेबल फील्ड हैंडल क्या होता है, आइए जान लेते हैं. जैसे मैंने लिखा है यहाँ जनवरी, मैंने सिर्फ JAN लिखा, ठीक है. अब देखिए मैं इसको यहां से ड्रैग करूंगा. देखिए यहां देखिए, ये जैसे ही मैं राइट साइड की तरफ जा रहा हूं तो आप गौर कर रहे हैं कि यहां फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब अपने आप आ रहा है. इसे हम कहते हैं इनेबल फिल हैंडल, ओके. यानी कि ये अपने आप क्रिएट होने लगेगा, ठीक है. अब यहां पर देखते हैं, यहां देखिए मैंने लिखा संडे, ठीक है. तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे. ये देखिए इनेबल फिल हैंडल की सर्विस होने के कारण एक्सेल में ये पाया जाता है, ठीक है. इसी के चलते ये इस तरीके से आ रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक्सेल को एक बार बता दीजिए, दो के बाद चार, यानी हमें दो का टेबल चाहिए. यहाँ पे मैंने दो के बाद बता दिया एक्सेल को कि चार आएगा, तो यहाँ दो का टेबल अब देखिए सिक्स. ये देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है इनेबल फिल हैंडल के सर्विस के कारण, ठीक है. तो ये एक्सेल सॉफ्टवेयर है. एक्सेल सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और इसे बनाया किसने था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है उनका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें पहले से बना बनाए फॉर्मूले होते हैं. जैसे अगर आपको ऐड करना है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होगा. आप चाहे तो यहाँ प्लस भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही की पर होता है, प्लस भी और इक्वल टू भी, ठीक है. मैं यहाँ लगाता हूँ सम, जोड़ने के लिए सम फॉर्मूले का यूज होता है, यहाँ लगाया मैंने, और इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साथ सेलेक्ट कर लिया, यानी कि देखिए ये G6 यानी G कॉलम है और 6 रो है. तो G6 से लेके हमने G13 तक सेलेक्ट कर लिया है, और एंटर प्रेस करूंगा, इन सब का टोटल यहां पर आ जाएगा, ठीक है. जब इसको आप ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा टोटल. तो ये है, ठीक है, ये तो एक्सेल है. अब आइए अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, ठीक है. एक्सेस में कैसे काम होगा, क्या इसमें क्वालिटी होती है, क्या चीजें इसमें डिफरेंट होती है, वो सारी चीजें बात करेंगे. यहां पर मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही क्लिक करूंगा देन यहां पर आएगा क्रिएट. तो जैसे क्रिएट आएगा तो हम इसको देखेंगे कि हम आगे कैसे करेंगे. तो यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए आप. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह का एक सिनेरियो हमारे सामने आ गया है. बिल्कुल काम करने का तरीका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इसमें अलग होगा, ठीक है. बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं इस बात को समझा रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं TB1 लिख देता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये की है, सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही हो जाता है की फैक्टर. यहाँ पर कीज पाई जाती है, कीज कई तरह की हो सकती है, जैसे फॉरेन की, ठीक है, और ये जो है प्राइमरी की के नाम से जानी जाती है, ठीक है. इसे हम प्राइमरी की क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनिक की होती है. यूनिक की का क्या मतलब है, एक टेबल में एक से ज्यादा वैल्यू आप नहीं रख सकते. अगर आप किसी टाइटल अगर आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने दे दिया रोल नंबर, यहां पे लिखा मैंने रोल नंबर, यहां पर आपको टाइटल फिल करना है, यहां देखिए रोल नंबर. अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटा टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, यहां देख सकते हैं ये सारे डेटा टाइप है. क्या है, डेटा टाइप. फायदा क्या है, जैसे टेक्स्ट अगर आप चूज करते हो तो आप उसमें नंबर भी लिख पाओगे, और टेक्स्ट यानी कि कोई नाम भी लिख सकते हो. मेमो, मेमो का मतलब होता है, का क्या मतलब होता है, जैसे आप पुराने मोबाइल फोन की बात करें या फिर मोबाइल फोन वगैरह में पहले से लिखा हुआ था आई कॉल यू लेटर, ये सारी चीजें पहले से सेव होती थी, उन्हें हम मेमो कहते हैं, ठीक है. और ये नंबर क्या है, नंबर का मतलब सिर्फ नंबर आप ले सकते हैं. डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम ले सकते हैं. कैलेंडर टाइप का ये कैलकुल आ जाएगा इसमें. करेंसी यानी कि रुपीज वगैरह का सिंबल यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा. ऑटो नंबर खुद से नंबर जनरेट करके देगा, यस और नो, ये दो कंडीशन होंगी, यस या नो, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आएगी. ओएलई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है
कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूं। हाइपरलिंक का मतलब होता है आप एक जगह मौजूद रहकर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी जा सकते हैं, वहां की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। अटैचमेंट, फोटो को आप अटैचमेंट ले सकते हैं, और यहां पे है लुकअप विजार्ड। ये सारे डेटा टाइप हैं, ठीक है। चलिए आइए नीचे आते हैं। आपको प्राइमरी की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की किसकी बात करने वाले हैं? फॉरेन की बात करने वाले हैं। अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर हम टेक्स्ट डेटा टाइप को रखने वाले हैं, ठीक है। कौन से डेटा टाइप को रखने वाले हैं? टेक्स्ट। सो केयरफुली इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है? डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं कि हम क्या चीज बना रहे हैं। जैसे रोल नंबर क्या है, और रोल नंबर इज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रोल नंबर इज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी, देयर आर प्लेंटी ऑफ नेम्स लाइक एबीसी, कुछ भी यहाँ पे नाम के बारे में दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या दे सकते हैं? यहाँ पर हम एज दे सकते हैं स्टूडेंट का, या सब्जेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने हिंदी, कोई सब्जेक्ट, कोई स्टूडेंट है वो हिंदी पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर नंबर डेटा टाइप रखूंगा हिंदी के लिए, नंबर डेटा टाइप। अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि नंबर डेटा टाइप रखने का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया हमने इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं फॉर्म भी बताऊंगा कि फॉर्म क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे। जब भी क्वेरी की बात है कि क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी का सिंपल मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेरी का क्या मतलब है? यहाँ पर क्वेरी का मतलब है कि आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कैलकुलेटिव कुछ करना चाहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी। अब यहाँ पर इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारी चीजें अलग थी, अब यहाँ पर तो पहला तो की फैक्टर ही अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप अबंडेंट ऑफ डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर अब हमको सपोज कीजिए ईमेल आईडी लेनी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, ठीक है। अब ईमेल लेनी है तो ईमेल कौन सा होगा? हाइपरलिंक होगा। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप में क्या चूज कर रहा हूँ? हाइपरलिंक, ठीक है। यहाँ पर एक हमको और बीच में चाहिए था, हमें यहाँ फोटो लगानी थी स्टूडेंट की। अब हमें वो भूल गई कि फोटो कैसे लगाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट करवा लो रो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिए आप फोटो, सो राइट हियर फोटो, एंड आफ्टर राइटिंग यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अटैचमेंट डेटा टाइप, सो यू हैव टू चूज अटैचमेंट डेटा टाइप, ओके। और यहां से आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो यहां पर ये सेव करने के लिए बोलेगा, आप सेव कर लीजिए इसको। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि अटैचमेंट डेटा टाइप यहां पे आ चुका है नेम। लेकिन हमें अभी ये सब काम नहीं करना, चूंकि हमें क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी बनाने के लिए हम कहां जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, और यहां से आ जाएंगे क्वेरी डिजाइन पे, ठीक है। क्वेरी विजार्ड का यूज तो काफी एडवांस यूज है, ये भी मैंने बताया है, जबकि डिमांड आई हुई है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो कई सारे सॉफ्टवेयर भी मैंने बना करके दिखाए हैं। कुछ और भी डिमांड्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो भी आपकी डिमांड जल्द पूरी हो जाएगी सॉफ्टवेयर बनाने की, ठीक है। चलिए आइए ऐड करवा लेते हैं इसको। तो ये ऐड करवा लिया हमने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ साइज में, ताकि आपको पूरी तरह से ये अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो सारे डेटा जो हमने लिए थे, वो सारी कुछ चीजें इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फोटो पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, नेम पे करता हूं तो ये यहां आ गया। डबल क्लिक करते जाना है और ये इंसर्ट होता जाएगा। आप चाहे तो ड्रैग भी करवा सकते हैं। अब देखिए दो बार आ गया, तो आप यहां से ड्रॉप डाउन में जाइए और इसको बना लीजिए टोटल, ठीक है। और एट लास्ट आपको लेना है ईमेल, तो यहां पर आप रख करके और क्लिक कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन पे ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको टोटल देखना है कि हम यहां पे सिर्फ नंबर एंटर करें और टोटल होता जाए। कैसे होगा? कोलन लगा लीजिए यहाँ पे, देखिए कोलन कैसे लगता है। मैंने इसको थोड़ा और जूम करके आपको बताना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट कैसे बनता है। यहाँ पर अब हम इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने और इसको क्लोज किया और ओके प्रेस किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ रन पर क्लिक करना है, तो ये हमारा काम हो गया। बहुत खूबसूरती से हमने ये एंट्री पूरी कर ली है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कोई भी नाम देना है, फोटो आप रख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो अटैचमेंट वाला विंडो खुल करके आ जाए। और यहाँ पे रखते हैं पहले, और यहाँ पे नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया नाम राम, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने राम लिख दिया। अब यहाँ पे आप सिर्फ मार्क्स एंटर करें, 56, 57, ठीक है। और यहाँ देखिए टोटल अपने आप हो गया।
अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको टाइप करनी है। देखिए जैसे ही मैं ईमेल आईडी टाइप करूंगा ना, देखिए क्या होगा। क्या देखिए मैं लिखता हूं, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूं suresti441@gmail.com। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हाइपरलिंक्ड होके आ रहा है। हाइपरलिंक्ड होने का क्या मतलब है, जैसे इस पर लेके जाऊंगा ना, इसको पहले मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। जैसे इस पर लेके जाऊंगा ना, ये देखिए ये हैंड शेप बन के आ रहा है इसके, ये देख सकते हैं आप। हैंड शेप का क्या मतलब है, हैंड शेप का मतलब है कि ये हाइपर लिंक्ड हो चुका है, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमको दूसरे जगह कहीं लेके जा सकता है। जैसे देखिए लाइक गूगल क्रोम में चलिए, गूगल क्रोम से हमें ये हमारे ईमेल आईडी पर यानी कि जीमेल पे लेके जाएगा हमें। तो ये फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे अगला डेटा फिल कर पाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया सूरज, ठीक है आप। तो हम अभी क्या करते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे तैसे ये फॉर्म हमारा क्रिएट होकर आ जाएगा। ये सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एडिशन के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेव कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से ये फॉर्म बनकर आ जाएगा। आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटे लेवल की बात है, आप 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर बैठ करके सॉफ्टवेयर बनाना सीखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो सारी जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए, इतनी तो उम्मीद मैं करता ही हूँ। लिए रहेंगे वो फोटो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे रोल नंबर 3 पे आ गए, और 4 में तो कुछ है ही नहीं, हम डाला ही नहीं, तो यहाँ पे 4 में कुछ नहीं आया। तो इस तरीके से करके हम फॉर्म बना, अच्छा फॉर्म बनाने का क्या मतलब है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है हमारा डेटा। इस तरह से हम देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दिख